नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हो टेक्नोजॉलॉजी। दोस्तों, हर हफ्ते की तरह YouTube की तरफ से बहुत ही सारे अपडेट्स आते हैं एंड हमारा काम है अपडेट को आप सभी लोगों के सामने उठा कर लाना, ताकि आप सभी लोगों को पता चल पाए कि YouTube के अंदर कौन से वो नए अपडेट्स हो रहे हैं, YouTube का कौन सा रूल चेंज हो रहा है, ताकि आप भी YouTube में आने वाले दिनों में काम कर पाओ और अपना जो चैनल है उसको मोनिटाइज कर पाओ या फिर सफल हो सको YouTube के अंदर। इस हफ्ते के अंदर भी दोस्तों YouTube की तरफ से चार बड़े बड़े अपडेट्स को प्रोवाइड किया गया है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस वीडियो पे एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना दोस्तों। चलिए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर YouTube अपने क्रिएटर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। जी हां दोस्तों, अपने जो व्यूअर्स है उनको छोड़ के क्रिएटर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है YouTube, ताकि हर क्रिएटर अच्छे से वीडियो बना पाए YouTube प्लेटफॉर्म के अंदर। तो इसी को सोचते हुए दोस्तों YouTube का जो पहला अपडेट निकल के आया है वो क्रिएटर्स को लेके है। अगर आप एक YouTube का क्रिएटर हो तो आपको भी ये चीज देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। YouTube का जो YT स्टूडियो के अंदर परफॉर्मेंस कार्ड आपको देखने को मिलता था, या फिर YT स्टूडियो क्रोम के अंदर परफॉर्मेंस कार्ड आपको देखने को मिलता था, वहां पे जो रैंकिंग बाय व्यूज हर वीडियोस में आपको दिखाया जाता था, ताकि जिस वीडियो को आप मानिए लेटेस्ट एक वीडियो आपने अपलोड कर दिया उस वीडियो का रैंक आपको दिखाया जाता था कि 10 वीडियोस में से इसका रैंक कितना अच्छा है और 10 में से ये कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है, ये चीज दोस्तों दिखाया जाता था रैंकिंग बाय व्यूज नाम करके YT स्टूडियो एप्लीकेशन या फिर YT स्टूडियो क्रोम के अंदर। लेकिन अभी YouTube दोस्तों इसको रिमूव करने वाला है, बिकॉज ऑफ बहुत ही सारे क्रिएटर्स हैं जिनके वीडियोस के अंदर मानिए अच्छा व्यूज ना आता हो और उसका रैंक दोस्तों 9, 8 या फिर 10 दिखाता हो, तो इससे देख के बहुत ही सारे क्रिएटर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसके वजह से दोस्तों YouTube ने सोचा है कि ये जो रैंकिंग बाय व्यूज नाम का ऑप्शन है अपने YT स्टूडियो के अंदर, इसको दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में YouTube रिमूव कर देगा और आपको ये देखने को भी नहीं मिलेगा। फिलहाल आपको अभी व्यूज और जो कमेंट्स आए हैं ये सारी चीज आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन में हर वीडियोस के अंदर देखने को मिलेंगे। रैंकिंग बाय व्यूज जो सेक्शन है उसको दोस्तों YouTube YT स्टूडियो एप्लीकेशन या फिर YT स्टूडियो में से हटा दिया जाएगा YouTube के तरफ से। दूसरा जो अपडेट आया है वो भी YT स्टूडियो के रिलेटेड ही अपडेट है। दोस्तों, आपके हर वीडियोस के अंदर जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सारे कमेंट्स के अंदर आपको अभी से नए-नए फिल्टर्स देखने को मिलेंगे अपने YT स्टूडियो के अंदर। आप अगर YT स्टूडियो के अंदर जाते हो तो देख सकते हो यहां पे नया कोई फिल्टर आपको जोड़ दिया गया है। लगभग 5 फिल्टर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला कंटेंट क्वेश्चन नाम का एक फिल्टर आएगा, उसके बाद सब्सक्राइबर स्टेटस आएगा, चैनल नंबर स्टेटस और सब्सक्राइबर काउंट। ये दोस्तों 4 से 5 आपको फिल्टर्स नए देखने को मिलेंगे अपने कमेंट सेक्शंस के अंदर हर वीडियो में, और ये जो फिल्टर्स है ये आपको बता देगा और आप दोस्तों इसको फिल्टर करके भी देख पाओगे कि 10,000 सब्सक्राइबर वाला आदमी हमें कमेंट कर रहा है या फिर 10 सब्सक्राइबर वाला आदमी हमें कमेंट कर रहा है। तो आप अभी इसमें फिल्टर लगा सकते हो एंड अपने बहुत ही सारे क्वेश्चंस को आप फिल्टर लगा के भी निकाल सकते हो YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन या फिर YT स्टूडियो क्रोम से। तो ये एक कमेंट फिल्टर वाला नया ऑप्शन विद 5 फिल्टर्स के साथ जुड़ दिया गया है अपने YT स्टूडियो के अंदर। अगर आप एक नए यूट्यूबर हो तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का हो सकता है, ये चीज जरूर दोस्तों चेकआउट कर लेना। अगर आपको नहीं मिला, बहुत ही टेंशन कर रहे हो, आपको मिल जाएगा, टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं। आने वाले एक हफ्ते के अंदर हर किसी के मोबाइल में या फिर अपने क्रोम ब्राउजर में इसको ऐड कर दिया जाएगा ऑफिशियली YouTube की तरफ से। अगला जो दो अपडेट है YouTube की तरफ से वो दोस्तों एक रिमाइंडर है। जी हां दोस्तों, YouTube की तरफ से आपको रिमाइंड किया गया है। सबसे पहला चीज तो आप ध्यान से सुन लो, पहला जो चीज है थर्ड नंबर का अपडेट वो है दोस्तों 2-स्टेप वेरिफिकेशन। अगर आपने अभी तक अपने चैनल के अंदर 2-स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल नहीं करके रखा है तो बहुत ही ध्यान से सुन लो, आने वाले नवंबर के 1 तारीख से आपके चैनल के अंदर अगर 2-स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल नहीं है, आपके चैनल में आप अपलोड नहीं कर पाओगे या फिर कोई भी तरीके का वर्क अपने चैनल के अंदर नहीं करने देगा आपको YouTube, एंड आपको मोनिटाइजेशन भी नहीं मिलने वाला है अगर आपने अभी तक 2-स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करके रखा अपने चैनल के अंदर। अपने चैनल को बचाने के लिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन को कैसे इनेबल करें इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में क्लिक करके आप लोग देख लेना उस वीडियो को इस वीडियो को खत्म करने के बाद। एंड दोस्तों, ये जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन है बहुत ही ध्यान से सुन लो, नवंबर के 1 तारीख से दोस्तों ये लागू होने वाला है। एंड आप लोग अगर अभी तक इसको नहीं करके रखे हो अपने चैनल के अंदर, जल्दी से जाओ 2-स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करके रखो। एंड जो 4th नंबर का रिमाइंडर है वो भी बहुत ही अच्छा रिमाइंडर या फिर अपडेट आप बोल सकते हो। अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हो, शॉर्ट फंड्स आपको मिलते हैं, यहां पे भी आपको एक रिमाइंडर दिया गया है। थर्ड पार्टी ऐप के कोई भी एप्लीकेशन के जो आइकन्स होते हैं वो अगर आपके शॉर्ट वीडियोस के अंदर रहते हैं तो आपको उससे शॉर्ट फंड्स नहीं मिलेंगे। जी हां दोस्तों, थर्ड पार्टी ऐप का कोई भी एप्लीकेशन का जो आइकन्स है या फिर लोगो है वो अगर रहता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा शॉर्ट फंड का। एंड दोस्तों, अगर उसके अंदर आपके चैनल का कोई लोगो रहता है या फिर अपना चैनल का नाम रहता है तभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको पैसा मिल जाएगा शॉर्ट फंड का। लेकिन थर्ड पार्टी ऐप का कोई लोगो या फिर नाम
आपके शॉर्ट के अंदर नहीं रहना चाहिए। YouTube शॉर्ट फंड आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेगा एंड आपको फंड दिया जाएगा YouTube की तरफ से। अगर थर्ड पार्टी आपका कुछ रहता है तो आपको शॉर्ट फंड नहीं मिलेगा YouTube की तरफ से। ये चीज़ YouTube की तरफ से क्लियर कट बता दिया गया। अगर शॉर्ट बनाते हो तो ये चीज़ ध्यान में रख के बनाना। अदरवाइज ये जो चार अपडेट्स थे दोस्तों YouTube की तरफ से इस हफ्ते में आए हैं, जो कि मुझे लगा आपको बताना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर हफ्ते मैं आपको बोलता रहता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताना। मैं मिलता आपके साथ किसी और एक लेटेस्ट YouTube अपडेट को लेकर। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।